हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज बहुत ही अच्छी फोटो एडिटिंग है। तो गाइस आप देख सकते हो, जो नॉर्मल फोटो है कुछ इस प्रकार का है एंड एडिट होने के बाद फोटो कुछ इस प्रकार की बन जाती है। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें एंड अपनी टी शर्ट में क्लियरिटी कैसे डालें एंड कलर कैसे चेंज करें एंड अपना फेस का जो कलर है उसको गोरा कैसे करें। तो दोनों तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। तो गाइस चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गुवाए। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने स्नैपसीड की एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपल यहाँ से अपना कोई भी एक नॉर्मल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं कोई भी एक नॉर्मल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको आना पेंसिल वाले टूल पर एंड यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पर एक टून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने फेस में जो ब्रश नेट है एंड कॉन्ट्रास्ट है उसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं गाइस। तो यहाँ से आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सारे सिस्टम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको पेंसिल वाले टूल्स पर रहना है। यहाँ से आपको डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ से आपको अपनी टी शर्ट का कलर चेंज करना है। तो सिंपली आपको इमेज पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से ग्रीन शेप ले लेना है। उसके बाद सिंपली आपको आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ से आपको कर देना है सब ट्रैक। उसके बाद सिंपली आपको फोटो कर देना है राइट करने के बाद आपको आना है लेयर पर एंड यहाँ से आपको आना है व्यू एडिट्स पर। उसके बाद सिंपली आपको जाना है डबल एक्सपोजर पर एंड यहाँ से आपको आना है ब्रश के निशान पर। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप अपनी टी शर्ट पर कलर कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी टी शर्ट पर कलर कर सकते हैं। तो गाइस मैं कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा फर्स्ट मोशन में। तो गाइस मेरी टी शर्ट पर कलर हो चुका है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको अपना जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको फोटो को कर देना है राइट करने के बाद सिंपली आपको आना है बैक आने के बाद आपको जाना है टूल्स पर एंड यहाँ से आपको जाना है डबल एक्सपोजर पर एंड यहाँ से आपको जाना है इमेज पर। और उसके बाद कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ गाइस, जैसे कि ये वाला ही बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपली फ़ोटो को आपको कर देना है राइट करने के बाद सिंपली आपको आना है लेयर पर एंड यहाँ से आपको जाना है व्यू एडिट्स पर। उसके बाद डबल एक्सपोजर पर एंड यहाँ से ब्रश पर और यहाँ से आप इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को भी कर दीजिए। तो गाइस मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी। उसके बाद सिंपल फोटो को कर देना है राइट करने के बाद आपको आना है डबल एक्सपोजर पर एंड यहाँ से आपको आना है एडजस्ट पर और यहाँ से आपको लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको कर देना है पूरा करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो जो आपको पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया। उसके बाद सिंपली आप इरेजर भी कर सकते हैं इसको, अगर आपका थोड़ा कहीं से बाहर निकल गया है गाइस। उसके बाद सिंपली हमारा फेस का जो कलर है उसको चेंज करना रह गया गाइस। तो सिंपली आपको फोटो कर देना है राइट करने के बाद आपको आना बैक आने के बाद सिंपली आपको जाना है पेंसिल वाले टूल्स पर एंड यहाँ से आपको
ऑप्शन मिल जाएगा ब्रूस का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको दूसरे नंबर का ब्रूस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली एक्सपोजर को कर देना है आपको फुल एंड यहाँ से इस तरीके से आपको करना है फेस पर कलर। तो गाइस मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो बस अभी जो फोटो में रह गया है वो है चश्मे का कलर चेंज करना। तो सिंपल क्या करना है आपको फोटो कर देना है राइट। राइट करने के बाद आपको आना है पेंसिल वाले टूल्स पर एंड यहाँ से आपको आना है डबल एक्सपोजर पर एंड यहाँ से आपको आना है इमेज के ऑप्शन पर और यहाँ से आपको एक ग्रीन कलर का शेप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको फोटो कर देना है राइट। राइट करने के बाद सिंपली आपको आना है लेयर के ऑप्शन पर एंड यहाँ से आपको आना है व्यू एडिट्स पर और यहाँ से डबल एक्सपोजर पर रहना है और यहाँ से ब्रश का निशान सेलेक्ट कर लेना है। तो बस हमारे चश्मे का भी जो कलर था वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से गाइस आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो नेक्स्ट दिन। तो जय हिंद जय भारत, थैंक्स।